तो हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी एकदम मस्त होंगे और आगे भी इसी तरह मस्त रहना। तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे हमारे फ्री फायर गेम के अंदर आने वाले मार्च मंथ के मिस्ट्री शॉप के बारे में। हाँ गाइस, आप लोगों ने एकदम सही सुना है, हम लोगों को मार्च मंथ के अंदर एक न्यू मिस्ट्री शॉप देखने को मिलने वाली है और मिस्ट्री शॉप किस इवेंट के थीम पे रहेगी और मिस्ट्री शॉप के अंदर क्या कुछ आइटम्स हम लोगों को डिस्काउंट में मिलेगा, मिस्ट्री शॉप हमारे गेम के अंदर कब आएगी इसका कंफर्म डेट बताऊंगा। उसी के साथ गाइस मैं आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले मार्च मंथ के बुयापा डिस्काउंट इवेंट के बारे में बताऊंगा। इस बार हम लोगों को मार्च मंथ का बुयापा डिस्काउंट में देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा और मिलेगा तो कब मिलेगा, किस इवेंट के अंदर आएगा, आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं। उसके बाद गाइस हम लोग बात करेंगे हमारे फ्री फायर गेम के अंदर आने वाले अपकमिंग न्यू इमोट्स के बारे में। हां गाइस, हमारे OB39 अपडेट के अंदर जितने भी जो न्यू इमोट आने वाले थे उन सारे के सारे इमोट्स का रिव्यू करके बताऊंगा। फिर गाइस मैं आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले न्यू इनक्यूबेटर के बारे में बताऊंगा, हमारे गेम के अंदर नेक्स्ट में कौन सा इनक्यूबेटर देखने को मिलेगा। इसी तरह और भी काफी सारे अपकमिंग अपडेट्स और इवेंट्स का इंफॉर्मेशन है। जैसे कि गाइस आज मैं आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले अपकमिंग न्यू बंडल्स दिखाऊंगा, अपकमिंग न्यू गन स्किन दिखाऊंगा और साथ ही साथ हमारा न्यू M87 का गन स्किन दिखाऊंगा और इसी तरह और भी काफी सारे छोटे बड़े अपडेट्स का इंफॉर्मेशन है। तो एक तरह से देखा जाए तो गाइस आज का वीडियो इवेंट्स और अपडेट्स से भरा पड़ा है, इसलिए गाइस आप लोग आज के इस वीडियो को ध्यान से पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। वीडियो को आप लोग कहीं पे इसकी मत करना वरना गाइस आप लोग काफी सारा इन्फॉर्मेशन मिस कर दोगे। और आज के इस वीडियो को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने कल वाली वीडियोस के कमेंट पिक किया है और अगर आप लोगों ने कल वाली वीडियो के अंदर भी कमेंट किया होगा तो उसका भी आंसर होगा इस वीडियो में। तो इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा ध्यान से देखना और वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। अभी आप लोगों का फालतू का टाइम ना वेस्ट करते हुए अभी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले गाइस हम लोग बात करते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले नेक्स्ट इनक्यूबेटर के बारे में। तो गाइस अभी के टाइम में हमारे गेम के अंदर जो इनक्यूबेटर आया हुआ है वो हमारा वुड पेकर का गन स्किन का इनक्यूबेटर रन कर रहा है और ये इनक्यूबेटर हमारे गेम के अंदर से 12 दिन के बाद में रिमूव हो जाएगा और उसके बाद में हमारे गेम के अंदर कौन सा नया इनक्यूबेटर देखने को मिलेगा। तो चलो गाइस मैं आप लोगों को हमारा न्यू इनक्यूबेटर का रिव्यू करके बता देता हूं। तो गाइस हमारे गेम के अंदर जो न्यू इनक्यूबेटर आने वाला है वो हमारा UGI का इनक्यूबेटर आने वाला है और इसके अंदर हम लोगों को 3 गन स्किन देखने को मिलेगी। तो चलो मैं आपको तीनों गन स्किन का रिव्यू करके बता देता हूँ। तो गाइस जो हमारा पहला गन स्किन निकल के आता है इसका लुक आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये कुछ इस तरह का हमारा रेड कलर में और पिंक कलर का यहाँ पर गन स्किन रहेगा UGI का और इसका जो एट्रीब्यूट्स आप लोग देख सकते हो, डबल डैमेज यहाँ पर रहने वाला है, मैगजीन सिंगल प्लस है और मोमेंट स्पीड माइनस है। उसके बाद में जो दूसरा गन स्किन रहेगा वो हमारा कुछ इस तरह का रहेगा और इसका भी लुक वगैरह आप लोग देख सकते हो, इसका जो एट्रीब्यूट्स है रिलोड भी सिंगल माइनस है, मैगजीन सिंगल प्लस है। उसके बाद में जो तीसरा गन स्किन निकल के आता है इसका भी लुक आप लोग देख सकते हो, स्पेस वॉइस यहाँ पर कलर का रहने वाला है और इसका जो एट्रीब्यूट है वो रेंज डबल प्लस है और एक्यूरेसी सिंगल प्लस है और मोमेंट स्पीड सिंगल माइनस है। तो ये 3 गन स्किन है जो कि हमारे UGI गन स्किन का इनक्यूबेटर है और ये इनक्यूबेटर हमारे गेम के अंदर नेक्स्ट में देखने को मिल जाएगा जो कि अप्रैल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और आप लोगों को ये UGI गन स्किन का इनक्यूबेटर पसंद आया होगा। अभी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले अपकमिंग न्यू इमोट्स के बारे में। तो गाइस अभी आप लोग स्क्रीन पर ध्यान से देखो, यहाँ पर आप लोग जितने भी जो इमोट देख पा रहे हो ये सारे के सारे हमारे गेम के अंदर न्यू इमोट आने वाले हैं। पहला इमोट हमारा यहाँ पर रमजान इवेंट के थीम पर रहेगा, फिर दूसरा जो इमोट है वो आप लोग देख सकते हो ये हमारा न्यू हैपर बुक का इमोट है। उसके बाद में जो तीसरा इमोट है, तीसरा इमोट आप लोग ग्रेस ऑन व्हील का यहाँ पर इमोट है जो कि गाइस सर यहाँ पर स्केटिंग टाइप का यहाँ पर आप लोगों को सुई देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो हमारा चौथा इमोट है और ये करके यहाँ पर फनी टाइप का इमोट है आप लोग देख सकते हो। उसके बाद में जो हमारा पांचवा इमोट है, पांचवा इमोट भी आप लोग देख लो, फ्लेक्स करके यहाँ पर इसका नाम है, बॉडी बिल्डर टाइप का यहाँ पर इमोट है। उसके बाद में जो छठवा इमोट है, छठवा इमोट भी काफी ठीक ठाक है और ये हमारा स्कॉर्पियो के थीम पे रहने वाला है और इस वाले इमोट का नाम है क्रिमसन धूम। फिर उसके बाद में जो स्कॉर्पियो के दूसरा जो इमोट है जिसका नाम है स्कॉर्पियो फ्रेंड करके यहाँ पर है और यहाँ पर इसका जो लुक वगैरह देख सकते हो गाइस यहाँ पर काफी ठीक ठाक एनिमेशन के साथ में यहाँ पर है। उसके बाद में जो हमारा सातवां इमोट है फॉरवर्ड बैकवर्ड करके यहाँ पर है, थोड़ा स्टेप टाइप का यहाँ पर बनाया गया है। उसके बाद में जो हमारा आर्टिस्ट म्यूजिक डांस वाला यहाँ पर इमोट है तो इसका लुक भी आप लोग देख सकते हो। फिर जो नौवां इमोट है एचिंग पावर वाला इमोट है तो ये भी हमारा स्कॉर्पियो के थीम पर रहने वाला है। फिर लास्ट जो हमारा रहेगा वो हमारा रमजान इवेंट के थीम का है तो रमजान इवेंट का भी मैंने आपको इमोट बता दिया, रमजान इवेंट के अंदर हम लोगों को फ्री में एक इमोट मिल सकता है। उसके बाद जो लास्ट इमोट है वो हमारा ग्रेनेड मैजिक का इमोट है जिसका लुक आप लोग देख सकते हो, काफी तगड़ा यहाँ पर फनी टाइप का ये इमोट भी रहने वाला है। तो मैंने आप लोगों को सारे के सारे अपकमिंग न्यू इमोट दिखा दिए जो कि गाइस हम लोगों को हमारे गेम के अंदर अपकमिंग में वेब इवेंट या फिर किसी और इवेंट के अंदर देखने को मिलेंगे। फिलहाल अभी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे
गेम के अंदर आने वाले अपकमिंग न्यू एनिमेशन के बारे में। तो गाइस सभी आप लोग स्क्रीन पर ध्यान से देखो, ये जो आप लोग कमाल का एनिमेशन देख पा रहे हो, इस एनिमेशन का नाम है इनक्यूबेटेड बीस्ट और ये हमारा प्रोफाइल एनिमेशन है। यहाँ पर मैच मेकिंग का भी एनिमेशन है और काफी तगड़ा यहाँ पर एनिमेशन है, इफेक्ट टाइप का यहाँ पर बनाया गया है। बाकी आप लोग इसका लुक वगैरह देख ही सकते हो, कुछ इस तरह का ये हमारा नया एनिमेशन आने वाला है जो कि गाइस हमारा स्कॉर्पियो के थीम पर रहेगा और ये भी हम लोगों को बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। उसके बाद में जो दूसरा एनिमेशन है ये हमारा मैजिकल लैंप का यहाँ पर है जो कि हमारा रमजान इवेंट के थीम का बनाया गया है। तो ये भी काफी तगड़ा एनिमेशन बनाया गया है जो कि हमारा प्रोफाइल एनिमेशन है और इसका एनिमेशन इफेक्ट वगैरह सब कुछ बढ़िया है। बाकी ये दो एनिमेशन है जो कि हम लोगों को अपकमिंग में हमारे गेम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अभी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले अपकमिंग न्यू बंडल्स के बारे में। तो गाइस अभी आप लोग स्क्रीन पर देखो, यहाँ पर आप लोग जितने भी ये जो नए बंडल देख पा रहे हो ये सारे के सारे हमारे गेम के अंदर न्यू आने वाले और इनमें से कुछ बंडल हमारे बुया पास के भी है जो कि मई है और अप्रैल मंथ के बुया पास के बंडल है। इसके अलावा और भी बहुत सारे बंडल है। अभी हम लोग बात करते हैं हमारे न्यू M887 गन स्किन के बारे में। तो गाइस अभी आप लोग स्क्रीन पर ध्यान से देखो, ये जो आप लोग गन स्किन देख पा रहे हो ये है हमारा न्यू M887 का गन स्किन जो कि हमारा रमजान इवेंट के थीम पे है और यहाँ पर इसका नाम है ईगल गेज। बाकी यार गन स्किन का लुक तो काफी तगड़ा है और इसके एट्रीब्यूट्स भी आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हो। बाकी यार गन स्किन का लुक मुझे काफी अच्छा लगा और ये हम लोगों को रमजान इवेंट के अंदर स्पेशल इवेंट के अंदर देखने को मिल जाएगा। अभी हम लोग हमारे सब्सक्राइबर के कुछ कमेंट्स का रिप्लाई देते हैं। तो सबसे पहला जो कमेंट है वो एसके गेमिंग भाई ने पूछा है, भाई कोबरा MP40 वापिस आएगा क्या? तो इसका आंसर है हाँ, बट गाइस इसका डेट कंफर्म नहीं है। अभी हमारे गेम के अंदर एक ही गन स्किन रिटर्न आया हुआ है तो अभी हमारा जो नेक्स्ट में आएगा वो कोबरा आ सकता है या फिर अपना M10 का आ सकता है। उसके बाद जो दूसरा कमेंट है प्रिंस गेमर भाई ने पूछा है, प्लीज भाई बताओ M87 कब आएगा, कोई सा भी प्लीज भाई। तो अपना जो न्यू M87 आने वाला है वो हमारे रमजान इवेंट के थीम पे आएगा जो कि मैंने आपको रिव्यू करके बता दिया है। ये जो तीसरा कमेंट है यहाँ पर सुनील जमरे भाई ने पूछा है, लली इमोट कब आएगा भाई, मतलब भाई कह रहे हैं लोल इमोट कब आएगा रिटर्न में। लोल इमोट का तो अभी कुछ सीन नहीं है बट गाइस जब भी हमारे गेम के अंदर इमोट पार्टी इवेंट आएगा तो उसके अंदर हम लोगों को लोल इमोट रिटर्न में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट चौथा कमेंट है संजू भाई ने पूछा है, भाई आप बहुत क्यूट हो, इसके लिए भाई थैंक यू। बाकी आज की इस वीडियो के अंदर मैंने बस इतने ही कमेंट पिक किए थे और इस वाली वीडियो में आप लोग और भी कमेंट करना क्योंकि इस वाली वीडियो के कमेंट में कल वाली वीडियो में पिक करूंगा, तो इसलिए आप लोग यहाँ से इस वाली वीडियो में भी कमेंट करना, आप लोगों को जो भी कुछ पूछना आप लोग आराम से पूछ सकते हो। अभी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले न्यू मिस्ट्री शॉप के बारे में। तो गाइस हमारे गेम के अंदर जो न्यू मिस्ट्री शॉप आने वाला है वो हमारा रमजान इवेंट के थीम पे रहेगा और रमजान इवेंट का जो मिस्ट्री शॉप रहेगा वो काफी स्पेशल रहने वाला है। इसके अंदर हम लोगों को बहुत सारे नए बंडल देखने को मिलेंगे एंड पुराने जो हमारे फेथ वॉरियर का जो बंडल है वो हम लोगों को मिस्ट्री शॉप के अंदर देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर जो हमारा कैरेक्टर है डिजालो के कैरेक्टर है, स्कलर है, क्रोनो कैरेक्टर है, ये सारे हम लोगों को मिस्ट्री शॉप के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम लोगों को इमोट एंड ग्लोल का स्किन वगैरह भी हम लोगों को इस वाले मिस्ट्री शॉप के अंदर देखने को मिलेगा डिस्काउंट में। और ये जो मिस्ट्री शॉप है वो हम लोगों को अप्रैल मंथ के अंदर देखने को मिलेगा, मार्च मंथ के अंदर कोई भी मिस्ट्री शॉप देखने को नहीं मिलेगा गाइस, क्योंकि अभी देखो रमजान का जो इवेंट वो अप्रैल में स्टार्ट होने वाला, तो अप्रैल में हम लोगों को रमजान का स्पेशल मिस्ट्री शॉप देखने को मिल जाएगा। और रही बात अपने मार्च मंथ के बुया पास डिस्काउंट इवेंट की, तो अपना जो मार्च मंथ का बुया पास है वो हम लोगों को डिस्काउंट में देखने को मिल सकता है इस वाले मार्च मंथ के अंदर। अभी गरेना फ्री फायर की तरफ से 100% कंफर्म नहीं हुआ है लेकिन फिर भी गई सर यहाँ पर 85% चांस है कि हम लोगों को अपना मार्च मंथ का बुया पार्ट डिस्काउंट में मिल सकता है। इसके लिए हम लोगों को 25 तारीख तक वेट करना पड़ेगा, तो 25 तारीख तक हम लोग वेट कर लेते हैं एंड उसके बाद में हम लोगों को डिस्काउंट इवेंट देखने को मिल सकता है। बाकी गाइस आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे और आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन को भी आप लोग यहाँ से ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। तो गाइस हम मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।